Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इटावा में कार्य समिति की बैठक में पहुंचे प्रभारी कृषि मंत्री। इटावा जिला योजना की बैठक में प्रभारी कृषि मंत्री ने जनपद इटावा में 251 करोड़ 48 लाख जन कल्याणकारी योजनाओं पर विकास कार्य किया जाएगा और विकास की योजनाओं पर तेजी कार्य करते हुए जनता तक पहुंचाने का बजट रखा गया है, जिसमें मनरेगा और 1400 किसानों को निःशुल्क बोरिंग में अनुदान की धनराशि दी जाएगी और 5000 शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, 10 पंचायतों में फोनों का निर्माण कराया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिए जाएंगे और बुजुर्ग महिला और विधवाओं को पेंशन व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके जनपद में तेज गति देकर कई लाभकारी योजनाओं पर बल दिया गया है, जिससे गरीबों तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंच सके। 2020-21 के बजट के दृष्टि से जिला योजना की बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में 251 करोड़ 48 लाख रुपए के परिव्यय का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से किया जा रहा है, जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 23.68 करोड़ रुपए अधिक है। यहां इस बात पर बल दिया गया है, सर्वाधिक धनराशि मनरेगा के कार्यक्रमों की दृष्टि से 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1400 किसानों को निःशुल्क बोरिंग के लिए उनको अनुदान के मद में धनराशि की व्यवस्था की गई है। 10 नई दुग्ध समितियां बनाए जाने के लिए और उनके पुनर्गठन के साथ साथ उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की दृष्टि से मिड डे मील योजना के भीतर और जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय की दृष्टि से व्यवस्था की गई है। 5000 शौचालय और अतिरिक्त जो है वो इटावा जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर बनाए जाएंगे। 10 पंचायत भवनों का निर्माण होगा। 1500 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसके हर लाभार्थियों को आवास बनाए जाने की उसकी व्यवस्था की जाएगी। वृद्धावस्था और निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन के लिए भी धनराशि की इसमें समुचित व्यवस्था की गई है। पशुओं के टीकाकरण, उनके कृत्रिम गर्भाधान और उनके चिकित्सा के लिए धनराशि पर बल दिया गया है। इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि इटावा जनपद के भीतर लोक कल्याण के कार्यक्रमों और विकास के कार्यक्रमों को तेज गति दिया जाए। ये पहला अवसर है जब राज्य के बजट आने के पहले जिला बजट की तैयारी की गई है, जिससे कि उसको उसमें समाहित किया जा सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में एक नई शुरुआत हो रही है। अभी तक परंपरा ये रही है कि बजट राज्य के बजट पास होने के बाद तब वहां जिला योजनाएं बनती थी, अब की बार ये पूर्व तैयारी करके और हम नियोजन विभाग और वित्त विभाग को भेज रहे हैं। धन्यवाद।